हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई पेन कैसे डाउनलोड करेंगे। इस समय हम लोग गूगल क्रोम पे हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ई पेन डाउनलोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड ई पेन कार्ड NHB। क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स को आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल को फिल कर लेते हैं। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे OTP के लिए पूछेगा कि आप OTP किस पे प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव OTP, या फिर OTP किस पे प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पे करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ आई कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, जनरेट OTP। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP को भेज दिया जाएगा। OTP यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी। यहाँ पे आपको ई पेन डाउनलोड करने के लिए 8 या 10 रुपये पेमेंट करना होता है। यहाँ पे कंटिन्यू विद पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट थ्रू ATM पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको IFV पे क्लिक करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रुपये 26 पैसा आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आप पेटीएम नंबर को फिल कर लेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड भेजेगा, जो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीपेड डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन फिल करना है। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर फिल कर लीजिएगा। पे पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपसे OTP पूछेगा। OTP फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। OTP फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जनरेट एंड पिन पेमेंट रिसीप, अब इस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट रिसीप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट रिसीप्ट आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड ई पेन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड ई पेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड ई पेन PDF, डाउनलोड ई पेन XML। हम जिसमें आपको चाहिए उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग डाउनलोड ई पेन PDF पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ टास्क बार में डाउनलोड होता है, लेकिन ये आपका देखिएगा यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जो कि फॉर्मेट हमारा इस तरह डेट ऑफ बर्थ होता है, पासवर्ड इस तरह फॉर्मेट में हमको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ पे हम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं। तो देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड जो होगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा ई पेन डाउनलोड होकर आ जाएगा।